अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा थाने जी जॉन, आज हम आए हुए हैं आई एट आए हुए हैं और वकार भाई के भी साथ है हमारे। अस्सलाम वालेकुम यार, बहुत घूम फिर रहे हो थाने आप। हाँ ना, बस आप गए थे फैसल मस्जिद माशाल्लाह, और अभी हम आए हैं आई एट मरकज। इस्लामाबाद का बड़ा चलता फिरता इलाका है ये, जहाँ पर बड़ी खाने पीने की शॉप्स वगैरह हैं और ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल है। अभी हम आपको थोड़ा थोड़ा आगे ले जाते जाएंगे। वकार भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक। कैसा लग रहा है इस्लामाबाद में आपको? ज़बरदस्त, एंजॉय कर रहे हैं आप? बिल्कुल। वीडियो तो हम बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शाहिद भाई जान को स्पेशल सलाम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई जान। शाहिद भाई जान कैसे हो आज? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई जान। आज हम आए हैं शाहिद भाई जान बहुत माजरत से अपनी फरमाइश पे आ जाए हुए हैं। अपनी फरमाइश पे अपनी फरमाइश पे आ जाए हुए हैं, आई एट आए हुए हैं। आई एट मरकज बहुत ज़बरदस्त माहौल है, लोकेशन है, अभी हम आपको दिखाएंगे ये माहौल। ये है जेड जी और इसके साथ है डब्ल्यू के वकार खान। एक जेड जी है, दूसरा डब्ल्यू के है। मानता हूँ यार, मानता हूँ जेड जी को, मानता हूँ जेड जी को यार, असल कमाल का बंदा है ये। जोन सा है ना, जमील स्वीट है इसके, जमील स्वीट बैंक अल हबीब एंड बैंक अल फलाह, इनके नीचे चीजेस भी है, चीजेस पिज़्ज़ा इनके नीचे चीजेस और बास्किन रूबन्स। बड़ा ही एंटरटेनिंग माहौल है यहाँ पर, चिल माहौल है। हम आपको दिखाएंगे साथ साथ गाइस। वीडियो तो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि ZK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको आए। जी ये सामने जो आप दिखाई दे रहा है ये शाहीन केमिस्ट है। ये किया करें आप, ठीक है। 5 पे करेंगे तो और आगे जाएगा, 2 पे करेंगे पीछे आएगा, 1 पे करेंगे तो ये इस तरह। ये देखें, सीखें ये चीज़ें खाने। जी भाई, आप कब सीखेंगे खाना? आपको याद है कुछ, जब मैं US जा रहा था उससे पहले हम यहाँ पर आए थे, हम आए थे उसकी रात, हम आए थे जेड जी की फ्लाइट थी। वो ये है, ये तो ख़त्म हुआ है यार। मूव टू वेस्टा, ये ख़त्म हो गया यहाँ से। ये जोन सी है ग्रोसरी शॉप है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की। यहाँ से चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, मूव होती जा रही है, मूव होती जा रही है। असल में इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा ना कि असल में महंगाई बहुत है, रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ओनर जो इनके हैं ये नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज यहाँ का किराया 2 लाख है, इनको जब 1.5 लाख में मिलता है तो ये मूव हो जाते हैं यहाँ से, क्योंकि कराइयों की वजह से कारोबार ख़राब है। सही। और तो अभी आप मतलब हमको न्यूज़ सुना रहे हैं? न्यूज़ नहीं, आपको नॉलेज बता रहा हूँ। नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। ये क्रोकरी शॉप है, और ये है डिवेट सन। हम तो गप दे रहे हैं। वकार भाई आप क्या कहेंगे, आप कुछ पूछे आई एट मरकज के बारे में आप क्या कहेंगे? इससे पहले आप कभी आए हो यहाँ पे? डोनट के बारे में कुछ पता है? डोनट के बारे में तो हम लोग बात नहीं कर सकते। क्यों? डोनट थोड़ा क्लोज करो, हमको जस्टिस डोनट दिए। सही है, चले हम आपको लेके चलते हैं आके।
आगे आप लोगों को लेके चलते हैं हम। लग रहा है आपको वकार यहाँ पर? मुझे बेहतरीन लग रहा है यहाँ पर, मैं सबसे पहली दफा है। बिल्कुल वकार आज पहली दफा है आईएट मरकज। वकार भाई हमारे साथ आपको कैसा लग रहा है? आप लोग सर मुझे बेहतरीन लग रहे हैं। हाँ खुश हैं ना आप? खुश हैं आप? खुश हैं भाई? बिल्कुल अच्छा। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। ओके जी जेड जी यार क्या नाम है, इंजॉय कर रहे हैं असद खान आई8 मरकज में, एंजॉय कर रहे हैं मरकज में। और कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि पेशावर का एक विजिट दूंगा। विजिट नहीं निज़ारा दूंगा, वहाँ पर हम आपको जलील के कबाब, उमरी के कबाब, नमक मंडी लेके जाएंगे आप लोगों को, और ये चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ। हाँ पेशावर और सब चीज़ तो हमने दिखा दी, लेकिन ये पीछे जो सा ये लोकेशन है व्यू, तहजीब बेकरी है, बहुत ही फेमस बेकरी तहजीब। चले आ जाए। आगे आगे ये है आई8 मरकज। हाँ जी कुछ वकार भाई जी सुनाए हमें कुछ नई ताजी। सारी पुरानी है हमारे पास, बात कुछ नहीं सुना है। पेशावर आपने तो बात ही कर ली है, लेकिन शायद भाईजान को आपने सलाम नहीं कहा है। शायद भाई को दिल की गहराइयों से सलाम। शायद भाईजान सुनाए ना कैसी है आपकी तबीयत। ये आए हुए हैं हम, देखते जाए हमारे साथ गाइस। जेड जी किधर है? हेलो हम जा रहे हैं जेड जी के पास। ये है जूस लैंड गाइस, ये है जूस लैंड एंड इनके नीचे है कैश एंड कैरी, साथ में लेयर्स बेकरी है। जी वकार भाई ये जेड जी, तो आप क्या कहेंगे आज? मैं ये कहना चाहूंगा कि यल्ला हबीबी। ऐसे जो हमारे जो दोस्त हमारे साथ ये जाहिद थे यार, वो बड़े कोई क्या नाम है नस्ल किस्म के कमीने इंसान है दोनों, जुएब और कामी। तो देखें मैं कह रहा था उनको, अगर वो लोग भी आ जाते हैं यहाँ पर अपना इन्जॉय कर लेते थोड़ा सा और घूम फिर लेते, इन्जॉय कर लेते यहाँ पर। अब मिस नसीब में नहीं है इनके। जब इंसान के नसीब में ना हो ना तो वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी पहुँच जाए ना तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती। तो वो नहीं मिलती सही फरमाया। और जब इंसान के नसीब में लिख दिया गया हो तो घर बैठे भी मिल जाता है। क्या कहते हैं आप अस्थान इस बारे में? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एग्री करते हैं आप इस बात की? हम एग्री भी करते हैं और मेरा वोट भी जेड जी का है। ये आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमेशा जो है ना मेरी जो वोटिंग है उसमें आपने अहम किरदार अदा किया है, लेकिन अल्लाह बख्शे आपके दादा हुजूर को, वो क्या कहा करते थे मेरे बारे में? वो ये कहा करते थे कि जो भी हो लेकिन जायद गुल को कभी भी खफा नहीं, जायद खान को कभी भी खफा ना करो। हाँ। क्योंकि जब वो खफा होगा तो फिर मैं भी आपसे खफा होऊंगा, लेकिन ये मरते वक्त इसने हमें नसीहत की तो थी, इसीलिए आपने जो है ना मेरे को खफा नहीं करते हो आप? मैं खफा नहीं करता आपको यार। यार अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपकी दादा को करोड़ करोड़ जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और बस ये उनकी क्या नाम है ज़रा नवाजी थी, उनकी मोहब्बत थी, उनकी क्या नाम है जो मोहब्बत थी उसमें जो है ना हम उनके शुक्रगुजार हैं और ताकयामत शुक्रगुजार रहेंगे आप लोगों के साथ। अल्लाह पाक आपके अबू को भी लंबी ढेर सारी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती कामिला। ये वीडियो आपकी क्वेटा में भी लोग देख रहे हैं, तो अबू को भी कुछ कहे और वाहिद भाई जान को, अली भाई जान को सलाम दुआ। ये सबको मेरी तरफ से खुशी दुआ सलाम, वाहिद भाई जान, अली भाई जान, शाहिद भाई जान और अबू मेरे प्यारे वालिद साहब को अल्लाह पाक जो है ना
अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और हम हमेशा दुआ गो करता हूँ, मैं बॉस्टन में भी था तो उधर भी दुआएं करता था, यहाँ पर यहाँ पर परदेसी मैं हर जगह भी जहाँ मैं होता हूँ मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। कोई वालिद साहब को आमीन, आज जो भी हो अपने वालिद की वजह से हो, कोई शक नहीं है यार, इसमें कोई शक नहीं। हमारे वालिद साहब हमारे हर दिल अजीज और हर किसी के लिए हर दिल अजीज शख्सियत हैं, बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। चलो गाइस अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें, जिए और जीने दें।